के बारे में जान ले। शिक्षा प्लस विद्या, शिक्षा का मतलब होता है केवल आपके अंदर एक सब्जेक्ट का ज्ञान होना, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो उसका ज्ञान आपके अंदर होना, ये आपका शिक्षा है। अब रही बात विद्या, विद्या का काम है कि आपके अंदर शिक्षा भी होना चाहिए और विद्या का मतलब है कि आपका कनेक्शन भगवान से होना चाहिए। आपके आत्मा परमात्मा से जब तक मेल ना खाएगी तो आपके अंदर विद्या प्रवेश नहीं होती है। और अच्छी बात है, मतलब विद्या का होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जितनी भी मन के अंदर जो भी चल रहा है, आपको एक समझदार इंसान विद्या बनाता है, आपको समझदार इंसान शिक्षा नहीं बनाती है। मान लीजिए कि आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं या फिर धर्म आपको समझ में आती है, या अधर्म क्या है, गलत सही, ये सब अन्याय हो या फिर न्याय, ये दोनों को आप विद्या के माध्यम से सीखते हैं। विद्या एक ऐसी पद्धति चली हुई आ रही है, आज देखा जाए तो ना हमें शिक्षा के बारे में पता है ना हमें विद्या के बारे में पता है। शिक्षा का मतलब एक संपूर्ण ज्ञान का होना, वो शिक्षा है, वो उसे हम शिक्षार्थी बोलते हैं। पर जिसके अंदर संस्कार प्लस शिक्षा ये दोनों जिसके अंदर हो, उन्हें हम विद्यार्थी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षा और विद्या का क्या तालमेल है। सीधी बात करें तो जब हमारे देश में गुरुकुल थे उस समय की बात है, जब हमारे देश में भारत देश में गुरुकुल जैसे शिक्षा पद्धति था, तो उस गुरुकुल में शिक्षा भी दिया जाता था और विद्या भी दिया जाता था। वहाँ के कुछ बच्चों का जवाब आता था कि हम शिक्षा ले रहे हैं और कुछ विद्या ले रहे हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, और विद्या का मतलब है कि आप किस तरह से लोगों के सामने आ रहे हैं। मतलब सीधी बात देखी जाए तो आपका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके आत्मा को जोड़ने का काम भगवान तक किया जाता है, ये आपका विद्या होने का लक्षण है। अब कुछ 1835 से पहले हमारे देश की शिक्षा किस तरह से काम कर रही थी, जो हमारे गुरुकुल थे उन गुरुकुल में 18 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। वो 18 सब्जेक्ट में कुछ वैदिक गणित थे, खगोल शास्त्र, रसायन, जैसे 18 सब्जेक्ट थे। वैदिक गणित में जैसे कि मैथ में जो ट्रिक्स होते हैं, मतलब वो सब वैदिक गणित में सिखाया गया। इसी तरह से जो सर्जरी होते हैं वो हमारे 1835 के गुरुकुल में ही सिखा दिया गया था। 1835 में ही सर्जरी, जैसे कि नाक किसी का कट गया तो पांव के चमड़े को नाक में जोड़ करके ठीक किया जाता था, कुछ समय तक यही चला। उसके बाद जो वहाँ के टीवी में काले थे वो अपने पार्लियामेंट में बताते हैं कि हम जब भारत गए थे तो वहाँ के गुरुकुल में हम इन सब चीज़ों को देखे, वो अपने पार्लियामेंट में कह रहे होते हैं। जब वो सारी बातें, फिर वहाँ के पार्लियामेंट से जवाब आता है कि और आपने क्या क्या देखा। जब टीवी में काले बोलते हैं कि वहाँ का जो अमरावती है वहाँ पे लोहा से फौलाद बनाया जाता है, अमरावती गुरुकुल में लोहे से फौलाद बनाया जाता था, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे जिनमें जंग नहीं लगता था। उसी तरह से विशाखापट्टनम की बात की जाए तो विशाखापट्टनम जो गुरुकुल थे वहाँ के गुरुकुल में कावेरी नदी जो जेड आकार का बना हुआ है, वहाँ के आचार्य और विद्यार्थी दोनों मिल करके उस पुल का निर्माण किए थे। और हमारे गुरुकुल में 52% मतलब आचार्य के रूप में महिलाएं थी, लेकिन वो महिलाएं जो भी थी वो इंडियन ही थी, भारतीय महिलाएं 52% थी, बाकी पुरुष थे। पर वो यूरोप कंट्री में बताते हैं कि वहाँ की जो महिलाएं होती है उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है भारत देश में, लेकिन रूस में जो प्लेटो थे वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो महिलाओं को चौथे नंबर पर रखा गया है, क्योंकि महिलाओं के अंदर
आत्मा नहीं होती, ऐसा प्लेटो अपने यूरोप कंट्री में बोलते हैं, अपने पार्लियामेंट में बोलते हैं कि महिलाएं जितनी भी होती है उनके अंदर आत्मा नहीं होती, आत्मा सिर्फ और सिर्फ राजा में होती है। यदि राजा में आत्मा होती है तो प्रजा में यदि गलती से आ भी जाए आत्मा तो उनका उनको मतलब बहुत ऊंचा स्तर दिया जाता था। लेकिन यूरोप कंट्री में महिलाओं को बताया गया है कि महिलाओं के अंदर आत्मा नहीं होती है, पर हमारे यहाँ महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ पे रखा गया, मतलब कि हम इस तरह से समझ सकते हैं कि महिलाएं ईश्वर से नज़दीक होती है। जो हमारे भारत देश में महिलाएं होती है वो भगवान के बहुत नज़दीक होते हैं, मतलब हम पुरुष से हमेशा ऊपर रखा गया है महिलाओं को। लेकिन यूरोप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप में फिर प्लेटो कहते हैं कि वहाँ पे दरी पब्लिक बुक में लिखा हुआ है कि महिलाओं के अंदर आत्मा नहीं होती है। फिर मेकाले अपने पार्लियामेंट में बताते हैं ये सब, फिर वहाँ से जो जवाब आता है कि हम भारत देश को गुलाम कैसे बनाएं, जब भारत देश को बनाने की कोशिश की जाए तो पहले फिर वहाँ से जवाब आता है कि हम इसके बारे में और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, वहाँ के पार्लियामेंट मेकाले से पूछते हैं। फिर मेकाले जवाब देते हैं कि वहाँ पे जो सेल्य होते हैं, जो वहाँ की शिक्षा नीति है, वो शिक्षा एक सब्जेक्ट पे नहीं बताते, वहाँ पे 18 सब्जेक्ट के 18 नई नई तरह से शिक्षा दी जाती है। यदि हम उन शिक्षा को तोड़ दे तो शायद कुछ हो सकता है, ऐसा मेकाले पार्लियामेंट में बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि वहाँ का जो लैंग्वेज है, मतलब वहाँ का जो भाषा है भारतीय भाषा, वो महिलाओं का ही देन है, ऐसा मेकाले पार्लियामेंट में बोलते हैं। जितने भी भाषाएं हैं वो जिस संस्कृत, तमिल, उर्दू बाद में आया, हिंदी और उर्दू बाद में आया, ये जितने भी लैंग्वेज है भारतीय लैंग्वेज है वो महिलाओं का ही देन है। फिर वहाँ पार्लियामेंट में मेकाले ये सब बातें बोल रहे होते हैं। उसके बाद फिर 1835 में जब मेकाले पार्लियामेंट से सजेस्ट लेते हैं तो वहाँ से बताया जाता है कि इस इंडिया के अंदर एक कानून लाया जाए जिससे सारे सब्जेक्ट जो जितने भी गुरुकुल हैं उन गुरुकुल को बंद करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ धर्म या फिर यहाँ के लैंग्वेज को तोड़ना होगा। तो पार्लियामेंट से एक लेटर लंदन ब्रिटिश शासन को भेजते हैं, ब्रिटिश शासन में लिख वो बिल पास हो करके इंडिया में भेज दे, जिसका नाम एजुकेशनल एक्ट होता है, इंडियन एजुकेशनल एक्ट। वो जब इंडिया के गुरुकुल में भेजा जाता है तो उस एक्ट का सीधा मतलब ये होता है कि जितने भी लैंग्वेज संस्कृत माध्यम से जितने भी स्टेट लैंग्वेज है उन माध्यम को बंद किया जाए, मतलब उन सारे लैंग्वेज को गैर कानूनी बता दिया जाता है। मतलब अब जो भी गुरुकुल में पढ़ाई होगा वो इंग्लिश के माध्यम से होगा। तो ऐसा 1835 से पहले की बात है, पर जब इंग्लैंड की बात की जाए तो उस समय इंग्लैंड में कोई भी स्कूल नहीं था, उस वक्त अंग्रेजी स्कूलें एक भी नहीं थी। जब 1835 के बाद 18वीं शताब्दी तक कोई भी स्कूल यूरोप कंट्री में नहीं था, पहला स्कूल संडे स्कूल था जो चर्च के पीछे था इंग्लैंड में। उस चर्च के अंदर संडे को केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, वो सब्जेक्ट बाइबल था। बाइबल ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूरोप कंट्री में पढ़ाया जाता था। फिर कुछ समय के बाद जब गुरुकुल को बंद करने की कोशिश की जाती है तो यहाँ पे गुरुकुल 7 लाख से भी ज़्यादा थे, सिर्फ गुरुकुल, और 8,000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय भी थे। जो गुरुकुल थे उन गुरुकुल में कम से कम 200 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 बच्चे पढ़ा करते थे।